बोलो बोलो बोलो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हम हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते, हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते। आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता, हमारी एकता, वसुंधरा सरकार। मग सिंह राजपुरोहित, 2013 पंचायत राज एलडीसी भर्ती 19,515 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें से 9,000 लोगों को नियुक्तियां 2013 में दे दी गई थी। उसके बाद शेष पदों की नियुक्ति का मामला बोनस अंक का सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। 16/11/2016 को इसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, 10-20-30 क्लियर कर दिया। उसके बाद भी सरकार ने आज दिन तक शेष बसे पदों पर भर्ती नहीं की गई। शेष हमारे साथी 8 से 9 हज़ार संविदा कर्मी साथी जो नरेगा में, वाटर शेड में, स्वस्थ भारत मिशन में काम कर रहे हैं, उनको आज दिन तक नियुक्तियां नहीं मिली। उनकी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से हमारा अनिश्चितकालीन धरना बरकरार है। जब तक सभी पदों के लिए भर्ती शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अगर सोमवार तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आमरण अनशन किया जाएगा और प्रदेश नेतृत्व के अनुसार जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा उसके अनुसार आंदोलन को तेज किया जाएगा। लगभग संविदा कर्मचारी 9,000 इस भर्ती से वंचित है एलडीसी पद से। मेन विशेष मांग का ही है एलडीसी पद पे नियुक्ति, शेष बसे साथियों को नियुक्ति मिले, 2013 के से वंचित साथी जो भी हैं संविदा कर्मी उनको नौकरी मिले, नियमितीकरण की मांग है हमारी। अठेश सिंह सोडा, जिला नरेगा की 2013 में जो भर्ती हुई थी, जो आज तक मतलब 19,515 पदों पर हुई थी, जिनमें से 7,500 लोगों को ज्वाइनिंग मिली, बाकी हम अभी संविदा पे नौकरी कर रहे हैं। तो मेन मांग का परमानेंट का, कितना लोग वंचित, कितना हो जाएंगे? 9,000 समथिंग, 9,000 जी। पूरे जिले की कार्मिक है या फिर ब्लॉक लेवल पे सभी धरने? नहीं, पूरे जिला लेवल की है, पूरे जिले लेवल जी।